फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीजे 47 क्लासेस में। आज हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि बेसिक ऑफ एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में और एचसीएफ में क्या क्या होते हैं टॉपिक्स, जिसमें कॉमन फैक्टर था, मल्टीपल्स था, इवन नंबर, ऑड नंबर। आज हम सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एलसीएम। मैंने एलसीएम की और एचसीएफ की डेफिनेशन ऐड कर ली है, जिससे कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, लेकिन हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे उसे। जैसे देखते हैं, एलसीएम ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द लीस्ट लोएस्ट नंबर टू बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम। ऐसा कोई भी नंबर, टू नंबर हो या ज्यादा नंबर हो, जो क्या होते हो अपने आप से क्या होते हैं, एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं, उसे हम कहते हैं एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सो स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, समझते हैं कि एलसीएम प्रॉपर होता क्या है। जैसे एक नंबर ले लेते हैं 10 और 16। जैसे एक नंबर ले लेते हैं 10 और 16। ओके, एक नंबर लिया हमने 10 और 16। हमें 10 और 16 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, एक साइड राइट हैंड साइड पे एक एलसीएम की टेबल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, इसमें हम राइट करेंगे 10 और 16। हम राइट करेंगे 10 और 16। ओके, अब हम क्या देखेंगे, 10 और 16 की, 10 और 16 आता किसकी टेबल में है। अब जैसे 2 है तो 2 के टेबल में 10 भी आता है और 16 भी आता है, तो हम क्या करेंगे, बाहर ऐड करेंगे 2 और 2 के डिवाइड हम करेंगे किससे, 10 से। अब 2 के टेबल में 10 आता कितनी बार है, या 2 के टेबल में 10 कितना, हाउ मेनी टाइम्स में आता है, 2 5 10। तो 2 5 10 हम इस तरीके से करते हैं, 2 5 10। अब 16 है तो 2 के टेबल 16 कितनी बार आता है, तो 2 8 16। अब 8 हो गया ऊपर। अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं, अब क्या जैसे हमारा 5 है, लेकिन 5 प्राइम नंबर होता है और जो 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, लेकिन 8 है, अब 8 क्या है हमारा, कॉमन नंबर है, तो हम इसको 2 से कर देंगे, 5 को डिस कॉपी करेंगे और 2 4 8 करेंगे, देन अगेन 5 को डिस कॉपी करेंगे और 2 2 4 करेंगे, 4 2 के टेबल में आता है। अब 2 किस टेबल में आता है, अपनी टेबल में आता है, तो 5 सेट करा 1 और देन लास्ट में फिर अगेन 5 1 5। इसमें हम जब तक करते हैं जब तक लास्ट में 1 1 निकल के नहीं आ जाए, तो लास्ट में 1 1 नहीं आ जाए तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, ये था। अब 2 5 10, 2 8 16 हो गया। हमने 5 को एडिट कॉपी करा, हम लोग स्टार्टिंग भी हमेशा छोटे नंबर से करते हैं एलसीएम में, जैसे 2 है, 3 4 5, तो हमेशा छोटे नंबर से स्टार्टिंग करेंगे, 2 3 4 5 उस तरीके से। अब हम राइट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम ऑफ 10 एंड 16 इज इक्वल टू, हमारा 10 और 16 का एलसीएम क्या होगा, ये सारे नंबर हम राइट कर देंगे, 2 2 2 2 5 इस तरीके से, 2 2 4 2 2 4 ऑफ एज इट इज 5 का 5 इज इक्वल टू, ऐड कर लेते हैं 4 4 का 4 4 5 20 और 4 2 8 80। तो 80 क्या हो गया, एलसीएम हो गया, 80 क्या हो गया इसका, एलसीएम हो गया। तो हम ऐड कर देंगे, सो एलसीएम ऑफ 10 एंड 16 इज 80। ये होता हमारा एलसीएम। एलसीएम में क्या होना, कोई जितने भी नंबर हो 2 3 4 हम सबको एक साथ ऐड करते हैं, ये होता है एलसीएम में। अब समझते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर। एचसीएफ हमेशा हाईएस्ट नंबर को नंबर होता है, विच डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली, जो क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, डिवाइड होता है। अब जैसे समझते हैं एचसीएफ है, अब एचसीएफ इज ऑल्सो नोन एज हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। एचसीएफ की एक तरीके फुल फॉर्म क्या है, या फिर कह लीजिए कि एचसीएफ को और किस तरीके से बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं एचसीडी, जीसीएम, जीसीएफ, हाईएस्ट कॉमन डिविजर, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। अब समझते हैं इसको करते किस तरीके से हैं। जैसे हमारे एक नंबर है, हमने पीछे जो नंबर लिया था वो था 10 और 16, हम वही नंबर यहां लेते हैं 10 एंड 16। अब हमने सेम वही नंबर के लिए यहां पे लिया 10 एंड 16, लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, हमने एलसीएम के दोनों नंबर को एक साथ करा था, लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, अलग अलग होता है। हम 10 को अलग सॉल्व करेंगे और 16 को अलग से सॉल्व करेंगे, तो वही सेम 2 5 10 और 5 1 5। यहाँ पे 2 8 16, 2 4 2 4 8, 2 2 4 और लास्ट में 2 1 2।
दोनों में वन वन निकल के आ गया। अब रेड करते हैं, HCF कर लेते थे तो हम रेड करेंगे HCF ऑफ फर्स्ट किसका करेंगे 10 का, हम किस करते टेन का करें तो 10 का रेड कर देंगे HCF ऑफ 10 2 मल्टीप्लाई 5 और सेम ऐसे रेड करेंगे HCF ऑफ किसका 16 का तो 16 रेड कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे सिर्फ ये दोनों क्या कर रहे हैं मैच कर रहे हैं इसमें, तो राइट कर देंगे एच सी एफ ऑफ 10 एंड 16 इज इक्वल टू 2। तो एच सी एफ का क्या बन गया, एच सी एफ क्या हो गया 10 16 का 2 हो गया, ये होता है हमारा एच सी एफ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इनके रिलेशंस क्या होते हैं, इनके रिलेशनशिप क्या है एच सी एफ के और एच सी एफ के, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को अच्छे लगा हुआ आपको तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्री शेयर करिए और वीडियो को प्लीज पूरा देखिए जिससे कि आपको ढंग से समझ में आए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप कोई भी जरूरत है आप उस पर कमेंट से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे आप क्या कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।